कभी हो रही है बारिश, कभी हो रही है बंद। इधर बारिश में अभी तक बच्चे कर रहे थे खेल, इन्होंने गोबर डाला, उसके बाद ये देखो वहाँ से पत्थर भी लेके आ रहे हैं। ये दोनों छुप रहे हैं इधर से उधर। ये है वो, ये दीवानशु और वो हिमू। अभी दिखाता हूँ मैं, ये कहाँ गई। मम्मी के साथ दोस्तों मैंने भी खींच ली एक सेल्फी, सेल्फी पॉइंट पे आके। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गांव में लग गया रोड के पास दोस्तों, दो बजरे की खान। हेलो दोस्तों, नमस्ते, पहला स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में। मेरे गांव महर गांव से कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों मेरे गांव का। ये देखो अच्छी खासी धूप खिली हुई है, बहुत मौसम जो है दोस्तों बहुत साफ है। सुबह के टाइम में हल्का सा ठंडा है दोस्तों यहां पर। रोज की तरह लग गए हैं दोस्तों काम पे, सुबह के 10 बजे हैं और पापा चले गए दोस्तों बकरी चराने के लिए जंगल, और बुआ गई हैं इधर सोंग काटने के लिए पेड़ में। साथ में मम्मी भी है जो आज सोंग इकट्ठा कर रही है, और भाभी गई है खेत में गुबार तोई, और अंजलि की मम्मी दोस्तों ऊपर धो रही है कपड़े। आज तो दोस्तों बुआ की मदद करने के लिए मम्मी भी आ गई है, इधर नीचे कर रही है मम्मी सोंग इकट्ठा, और ये माही और इशू कर रहे हैं दोस्तों इधर। ये खेल कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अब ये माही लगाने लग गई है झाड़ू। झाड़ू तो है नहीं, मम्मी ने एक टहनी दे रखी है इसको सूंघ की, उसी से लगा रही है झाड़ू। दोस्तों यार ये आपस में दोनों ना लड़ भी जाते हैं, और ये इसी का जो है ये माही को मार देती है, माही जो है रोने लग जाती है फिर। ओ इशू क्या कहना है तो उन्हें खाए हाँ छिची छू छिची। अंजलि की मम्मी ने दोस्तों कपड़े धो दिए, देखो ऊपर वाले छत पे ये डाल रही है कपड़े सुखाने के लिए। दोस्तों बाहर का काम निपटा के आ गए अब हम अपने इधर किचन में। दोस्तों जो हमारा बाहर किचन है ना उस पे आ गए हैं, चाय बना के लेके आ गई अंजलि की मम्मी, और बिस्कुट बांटने वाली है ये माही। बिस्कुट हमें तो दे नहीं रही तू, चाय के साथ बिस्कुट। दोस्तों बुआ ने दाल तो बना लिया, अब बनाने बुआ को चावल। बुआ नहीं बोलूंगे दो यार, जब बुआ बढ़ा ली जब ना खानो तब टेस्ट हो बगा नदरी ये बढ़ा रहे वो ऐसे बढ़ दी नहीं। दोस्तों 12 बजे हुए हैं, मैं आया हूँ इधर छत पे क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है एकदम बदल गया। अभी अच्छी खासी थोड़ी देर पहले धूप आई हुई थी, अब जो है दोस्तों मौसम पूरा देखो, ये देखो दोस्तों बादल आसमान में एकदम अचानक बादल आ गया दोस्तों। और ये बुआ ने यहाँ पर अंजलि की मम्मी ने जो सुबह कपड़े धोए थे ये बुआ इनको आ गए उठाने के लिए, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है दोस्तों, यहाँ पर मौसम कुछ ऐसा हो गया है। ऐसा लगता है दोस्तों 4 बजे तक या 4-5 बजे तक शाम को बारिश हो सकती है, कहीं पे धूप है कहीं पे छाया। दोस्तों जैसे खाना खा के सोने के लिए आया था मैं, बारिश हो गई यहाँ पर शुरू। ये देखो दोस्तों बारिश शुरू हो गई है, आसमान में देखो दोस्तों बादल, काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बहुत ही तेज़ बारिश हो सकती है यहाँ पर। ये देखो बहुत तेज़ बारिश होगी दोस्तों, भागो भीग जाएंगे, बारिश बहुत ही तेज़ होने लग गई है। तो आज मौसम का तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी हो रही है बारिश कभी हो रही है बंद। इधर बारिश में अभी तक बच्चे कर रहे थे खेल, ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये चले गए हैं अंदर। दोस्तों शाम के 5 बजे हैं, अब आए हैं अपने इधर बांबिड़ वाले खेत में। मेरे साथ में मम्मी भी आई है, तो ये एक हाथ में देखो दचुल भी लेके आई है, अब पता नहीं क्या काट के लेके आएगी। मम्मी से पूछता हूँ किस लिए आई है वो दचुल के लिए। अरे एक बोर्ड चकनी है रे, क्या रे बोर्ड काटो छो। अच्छा रेत बोर्ड में रेत, अच्छा रल लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर बांबिड़ वाले खेत में मम्मी बोल रही है राई लगा रखी है, तो ये मम्मी उसी को काटने आई है। मेरे को बोल रही थी तू भी आएगा, मैंने कहा चलो मैं भी आता हूँ। यार दोस्तों कल ना अंजलि आई थी यहाँ पर बैल जंगल पहुँचाने के लिए, लेकिन यार वो डर गई, आज सोई है दिन भर जब से स्कूल से आई। मैंने सुना स्कूल में भी सोई थी,
तो अभी भी उसने स्कूल के ड्रेस भी चेंज नहीं किया, अभी भी सोई है। पापा बोल रहे थे इधर इसको आमा के पास ले जाओ, आमा भूत लगाएगी ना फिर उस ठीक हो जाएगा। इधर खेत में अंजलि की मम्मी और भाभी भी आए थे गोबर डालने के लिए, और ये देखो पत्थर लेके आ रहे हैं यार, डबल डबल काम। एक तो खेत में इन्होंने गोबर डाला, उसके बाद ये देखो वहाँ से पत्थर भी लेके आ रहे हैं। बारिश तो दोस्तों ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौसम जो है ठंडा हो गया है, थोड़ा ज़्यादा देर बारिश हुई नहीं, थोड़े बूंदे बांदी हुई दोस्तों। ये देखो और हिमू और वो दीवानशु भी आए हैं इधर, पता नहीं सेल्फी फ़ोटो खिंचवाने आए दोस्तों, जो मैंने ब्लॉग में कल दिखाया था ना इस पहाड़ी पे, यहीं पे आए हैं ये। और ये प्रकाश दा की गाड़ी खड़ी है दोस्तों यहाँ पर, ये देखो दोस्तों गाड़ी के पीछे ये दोनों छुप गए यार, ये बहुत तेज है। देखो ये हिमू भी यहाँ आया है, इसका काम धंधा कुछ है नहीं, ये दोनों छुप रहे हैं इधर से उधर। ये है वो, ये दीवानशु और वो हिमू, अभी दिखाता हूँ ये कहाँ गए, ये रहा वो हिमू। दोस्तों यार ये मम्मी बोल रही है ना उधर, एक मेरी भी फोटो खींच दे और मम्मी को लेके जा रहा हूँ, जा कद नहीं देख रही रियली। ये देखो दोस्तों आ गया हूँ मैं सेल्फी पॉइंट पे, और मम्मी बोल रही है मेरे को मेरा फोटो खींच दे यार, खींच देता हूँ, मम्मी की तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ, और यहाँ पर फोटो खींच के मैं अभी अपने चैनल में डालूँगा। ज़्यादा दिल नहीं चाहिए यहाँ रियली। मम्मी के साथ दोस्तों मैंने भी खींच ली एक सेल्फी पॉइंट पे आके। ये देखो आज मौसम बारिश की वजह से अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इस समय सुहाना मौसम हुआ है। उजाड़ तो नहीं होना चल, ये दो ही ना हाँ, वहाँ राड़ तो है नहीं, रोबिल के लिए चली ये बोर्ड छो। अरे यार दोस्तों मेरी मम्मी भी देखो एक पेड़ राई का लगा रखा है, उसके लिए आई है। अरे मैंने सोचा बहुत सारे होंगे, बताओ यार। दोस्तों जो राई के लिए मम्मी आई थी और लेके आ गई है एक पेड़ दोस्तों राई का, और मम्मी इसके लिए, मैंने सोचा कि बहुत सारे होंगे तो इसलिए मम्मी जा रही है, लेकिन एक पेड़ के लिए। लेकिन यार दोस्तों इस पेड़ का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 900 रुपये किलो इस टाइम पे बागेश्वर में मिल रहा है दोस्तों। पिछली बार मैं भी लेके आया था, 90 रुपये का मेरे को दोस्तों 100 ग्राम दिया इसकी। यहाँ पर हमारे पहाड़ों में दोस्तों रायता बनाते हैं, तो करीब 100 ग्राम तो इस पेड़ में से निकलेगा ही निकलेगा, इसीलिए मम्मी यहाँ पर आई थी कि ताकि इसको बैल तोड़ न दे करके। अब मुझे पता लगा दोस्तों इस राय की, मैंने सोचा जैसे वो सरसों होता है ना वैसे ही होगा, लेकिन यार इस राय की कीमत बहुत है, 900 रुपये किलो। पिछले साल बागेश्वर में जब गया था ना मैं चौंक गया था ना, मैं बुआ बोल रही थी एक किलो लेके आना, मैं 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेके आया क्योंकि 900 रुपये किलो। दोस्तों अब हमारे गांव में बजरी की भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गांव में लग गया रोड के पास दोस्तों दो बजरी की खान। ये देखो दोस्तों एक बजरी की खान इधर है और एक बजरी की खान दोस्तों उधर है। ये देखो यार ये तो सुरंग जैसे लग रहे हैं दोनों। ये देखो दोस्तों कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, ये देखो क्योंकि ऐसे सुरंग बन गए दोस्तों, जैसे नीचे उधर बगड़ में डैम बन रहा है ना यार, ये तो वैसे ही बन गए। ये देखो ऊपर जाऊंगा नहीं मैं क्योंकि मेरा कैमरामैन कोई नहीं है साथ में, मम्मी है, मम्मी को पकड़ना आता नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता दोस्तों कितने आगे तक ये क्या कहते हैं ये सुरंग बन गए हैं। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त डर लग रहा है यार दोस्तों, कभी भी ये ऊपर से क्या नाम है थस सकते। देखो मम्मी जा रही है वो नीचे, हाँ तय रोली, एक तो बारिश भी ज़्यादा वो हरो, तीन सुरंग बने हैं दोस्तों। मेरे नज़र में तो दो ही आए थे लेकिन यहाँ पर तीन बने हुए हैं। देखो एक ये है, एक ये दो, और एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक ये है दोस्तों, तीन बहुत ही ज़बरदस्त बन गए। बजरी की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यार डर भी है साथ में, कभी भी ऊपर से पहाड़ धस सकता है। अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं जंगली मुर्गी, दो जंगली मुर्गी आई हैं इधर शाम के 6 बजे, रोड के पास हैं दोस्तों, मैं भी जा ही रहा हूँ वहाँ पर। अभी दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको जंगली मुर्गी कहीं भागने जाएंगे, ये देखो
ये देखो दोस्तों जंगली मुर्गी नहीं यार, ये तो पुरदा की मुर्गी है। खाना खा के मैं आ गया हूँ दोस्तों सोने के लिए। अब अपना ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर यार प्लीज़ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो एक लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ।